नमस्कार दोस्तों, कांग्रेस में अध्यक्ष बनाने को लेकर चुनावी प्रक्रिया के तारीखों का ऐलान कर दिया गया है। हालांकि गांधी परिवार का कहना है कि कांग्रेस का अध्यक्ष गांधी परिवार से नहीं होना चाहिए। हालांकि अगला अध्यक्ष कौन होगा उसमें सबसे ज्यादा चर्चा राहुल गांधी की है, लेकिन इस बीच एक और नाम जुड़ गया है। जी हाँ, वो नाम वरुण गांधी का है। जी हाँ, कांग्रेस को सलाह देते हुए कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी को रोकने के लिए वरुण गांधी ही सबसे बेस्ट हैं, इसलिए कांग्रेस वरुण गांधी को ही अध्यक्ष बनाए। अपना खून अपना ही होता है। हालांकि राहुल गांधी का लिस्ट में नाम सबसे ऊपर है। राहुल गांधी को कांग्रेस नेता क्यों अध्यक्ष बनाना चाहते हैं? ये पांच बड़ी वजह है जिससे आप समझ पाएंगे कि राहुल गांधी को ही कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, यहाँ तक कि कार्यकर्ता भी अध्यक्ष बनाना चाहते हैं। उन सारी वजहों के बारे में आपको बताएंगे। हालांकि आपको क्या लगता है, कांग्रेस का अगला अध्यक्ष किसे बनाना चाहिए? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें। साथ ही वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल ना भूलें। जैसा कि आपको बता दें, भारतीय जनता पार्टी के सांसद वरुण गांधी जो कि पीलीभीत से सांसद हैं, हालांकि अभी तक वो भारतीय जनता पार्टी में ही हैं। अभी तक उन्होंने भाजपा छोड़ने जैसा कोई बयान नहीं दिया है। लेकिन जैसा कि आपको बता दें, बीजेपी सांसद वरुण गांधी पिछले एक साल से अपनी सरकार और अपने नेताओं के खिलाफ लगातार आवाज उठाते आ रहे हैं। ये आवाज तब और ज्यादा बुलंद हो गई जब उन्हें बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड से हटा दिया गया। इसके साथ ही उनकी मां मेनका गांधी को भी बीजेपी पार्लियामेंट्री बोर्ड में जगह नहीं मिली। तब से वरुण गांधी केंद्र की मोदी सरकार और भारतीय जनता पार्टी की सरकारों पर, उनके नीतियों पर, उनके कामों पर लगातार सवाल उठाते आ रहे हैं। लगातार बीजेपी सरकार को घेरने का काम कर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने अपने संसदीय क्षेत्र पीलीभीत में एक जनसभा को संबोधित करते हुए मोदी सरकार को आड़े हाथों लिया था। वरुण गांधी ने कहा था कि ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाए, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल की जाती है। हमको राजनीति नहीं करनी है जो लोगों को दबाए, हमको राजनीति करनी है जो लोगों को उठाए। ताकत वो नहीं होती जो लोगों को दबाने के लिए इस्तेमाल की जाती है, ताकत वो होती है जो लोगों को उठाने के लिए इस्तेमाल होती है। इसके साथ ही रोजगार के मुद्दे पर भी मोदी सरकार को घेरते हुए वरुण गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी देने का काम करूंगा। वरुण गांधी ने तंज कसते हुए कहा कि 10 लाख नौकरी देने की बात तो बाद की है, लेकिन पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं, पहले उसे भरने का काम करिए मोदी जी। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि मैं हर साल 10 लाख नौकरी दूंगा। मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए ये कहना चाहता हूं कि आदरणीय, 10 लाख नए नौकरी पैदा करने तो बाद का विषय है, पहले जो 1 करोड़ सरकार में खाली पद पड़े हैं उनकी भरपाई तो कीजिए। अब जब भी मौका मिलता है सांसद वरुण गांधी को, वो अपनी सरकार को घेरने में पीछे नहीं रहते हैं। हालांकि अस्थाई कांग्रेस अध्यक्ष के लिए वर्ष 2019 से ही मांग चली आ रही है। हालांकि सोनिया गांधी को अंतरिम अध्यक्ष बना दिया गया, लेकिन अस्थाई अध्यक्ष अब तक कोई नहीं बना है। उसमें बॉलीवुड के एक्टर ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को वरुण गांधी रोक सकते हैं, इसलिए बीजेपी को रोकने के लिए कांग्रेस को वरुण गांधी को ही अध्यक्ष बना देना चाहिए, क्योंकि अपना खून अपना ही होता है। जी हाँ, यह सलाह बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान ने गांधी परिवार को दी है। क्यारके ने सलाह देते हुए कहा कि कांग्रेस को वरुण गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। उनका कहना है कि कांग्रेस के पास अब ये एक ही विकल्प बचा है। इसके अलावा उनका कहना है कि अगर संजय गांधी आज जिंदा होते तो देश में कांग्रेस की सरकार होती। उनका कहना है कि जैसे कि भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को पप्पू सिद्ध कर चुकी है, तब बीजेपी को काउंटर करने के लिए कांग्रेस को वरुण गांधी को पार्टी का अध्यक्ष बना देना चाहिए। कांग्रेस के पास दोबारा जीतने के लिए बस यही विकल्प बचा है। उनका कहना है कि अपना खून अपना ही होता है,
क्यारके का कहना है कि मैं पूरे विश्वास के साथ यह कह सकता हूं कि अगर आज संजय गांधी जिंदा होते तो देश में सिर्फ कांग्रेस होती, ना आरएसएस होता, ना बीजेपी और ना ही मोदी जी होते। हालांकि क्यारके ने 2 महीने पहले कांग्रेस को यह सलाह दी थी। हालांकि क्या ऐसा हो सकता है कि वरुण गांधी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया जा सकता है, जबकि वर्तमान में वरुण गांधी भारतीय जनता पार्टी में ही हैं? तो ऐसे में क्यारके का सलाह देना आपको कितना सही लगता है, आप अपनी राय जरूर बताएं। हालांकि क्यारके के इस बयान पर ना तो वरुण गांधी की तरफ से और ना ही कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने आई थी। बहरहाल आपको बता दें, कांग्रेस में नए अध्यक्ष चुनने के लिए चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 17 अक्टूबर को कौन अध्यक्ष बनेगा उसके परिणाम सामने आएंगे, लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि 1 अक्टूबर को ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल सकता है। बता दें, कल ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कांग्रेस नेताओं ने कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव कार्यक्रम की घोषणा की, जिसमें कहा गया कि 22 सितंबर को नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा और 24 से 30 सितंबर के बीच नामांकन ली जाएगी और नामांकन की जांच 1 अक्टूबर को होगी। जो इस प्रक्रिया से अपना नाम वापसी लेना चाहते हैं, उनकी अंतिम तिथि 8 अक्टूबर को है और अध्यक्ष चुने जाने के लिए मतदान 17 अक्टूबर को होगा और इसके मतगणना और परिणाम 19 अक्टूबर को आएंगे। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि 17 की गिनती की तारीख भले है, लेकिन 1 अक्टूबर को ही कांग्रेस को अध्यक्ष मिल सकता है। बता दे, चुनाव प्रक्रिया के ऐलान होने के साथ ही कांग्रेस का बागी गुट G23 भी एक्टिव हो गया है। माना जा रहा है कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष पद के लिए मान जाते हैं तो 1 अक्टूबर को ही पार्टी को सोनिया गांधी की जगह नया अध्यक्ष मिल जाएगा। पर पेच यही फंसा हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी अध्यक्ष बनने की अनिच्छा जता चुके हैं। हालांकि पार्टी के नेता अभी भी उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद, मल्लिकार्जुन खड़गे, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ सहित कई दिग्गज नेता उन्हें मनाने में जुटे हुए हैं। उनका कहना है कि राहुल गांधी एकमात्र ऐसे नेता हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बन सकते हैं। सलमान खुर्शीद ने यहाँ तक कह दिया कि सच कहूँ तो जिस किसी से भी मैंने बात की या जिसकी मैंने राय ली, मैंने इस बात को महसूस किया कि उसके हिसाब से पहली और एकमात्र पसंद है राहुल गांधी और राहुल गांधी को ही कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया जाना चाहिए। मल्लिकार्जुन खड़गे भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी को देश भर में पहचाना जाता है। राहुल गांधी ऐसे नेता हैं जिन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी, बंगाल से गुजरात तक उनको समर्थन प्राप्त है, उनकी अच्छी मान्यता है और राहुल गांधी की पार्टी में पूरी स्वीकारोक्ति है। हालांकि राहुल गांधी को ही अध्यक्ष क्यों बनाना चाहते हैं एक कांग्रेस के दिग्गज नेता, ये 5 वजह जो है उससे ये लगता है कि ये अध्यक्ष राहुल गांधी को ही बनाना चाहते हैं। जैसा कि आपको पता होगा, 2019 के लोकसभा चुनाव में हार के बाद से ही राहुल गांधी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और सोनिया गांधी अंतरिम अध्यक्ष बनी, लेकिन फिर एक बार राहुल गांधी को ही अध्यक्ष बनाने की दिग्गज नेताओं ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इंडिया टुडे के एक खबर के मुताबिक एक कांग्रेस महासचिव का कहना है कि राहुल गांधी के पास 12 करोड़ मतदाताओं का वोट शेयर है। उनका कहना है कि साल 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को जो भी वोट मिला वो सिर्फ राहुल गांधी के नाम पर मिला। उनका कहना है कि वो मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि चुनाव उनके नाम पर लड़ा गया था। साथ ही उनका कहना है कि विपक्ष के किसी भी नेता को इतने वोट नहीं मिले, अब इस वोट बैंक पर कांग्रेस को खुद को बनाना होगा। जब ब्रांड रागा पर हमले हो रहे थे, यानी राहुल गांधी पर, तो कांग्रेस नेताओं ने जवाब दिया, लेकिन कार्यकर्ताओं ने हमेशा ऐसा किया। उनका कहना है कि पार्टी में ये आम धारणा है कि हमें ब्रांड रागा को मजबूत करना होगा क्योंकि इसकी गूंज राष्ट्रीय स्तर तक है। साथ ही उनका कहना है कि 2012 से लेकर 2022 तक के बीच में 2018 में कांग्रेस का सबसे अच्छा प्रदर्शन रहा। उस समय राहुल गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष थे और उस समय कांग्रेस में 9 युवा चेहरों को अहम जिम्मेदारियां दी गई, लोगों तक पहुंच बढ़ाने के लिए पहल की गई, अभियान चलाए गए। इसने कांग्रेस को छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक में गठबंधन की सरकार और गुजरात में बीते 2 दशकों में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने में मदद की। तीसरी जो बात बताई, कहा कि साल 2019 में टिकट वितरण से लेकर अभियान तक के लिए एक कोर टीम तैयार की गई थी। राहुल गांधी इस टीम का हिस्सा नहीं थे, लेकिन G23 के कुछ सदस्य
जिसमें वरिष्ठ नेताओं ने बड़े अहम फैसले लिए। जब नतीजे आए तो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए राहुल गांधी ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन किसी नेता ने ऐसा नहीं किया। चौथा जो वजह है, बता दें पार्टी के एक राज्यसभा सांसद का कहना है कि जब राहुल गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस राज्यों में जीती थी तो उस समय श्रेय पार्टी के हर नेताओं को दिया गया था, लेकिन हार की जिम्मेदारी सिर्फ राहुल गांधी को दिया गया। जब राहुल गांधी पर हमले हो रहे थे तो पार्टी के कुछ शीर्ष नेताओं की चुप्पी कैडर के बीच ठीक नहीं। आप देख सकते हैं कि कैसे पार्टी के युवा सदस्यों, कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर प्रतिक्रियाएं भी दी। उनका कहना है कि वह तब भी राहुल गांधी के साथ खड़े रहे जब बड़े नेताओं ने पक्ष बदल लिया। साथ ही कहना है कि विपक्षी खेमे में राहुल गांधी एकमात्र नेता है जो लगातार मुद्दे उठाते हैं और भारतीय जनता पार्टी सरकार, मोदी सरकार पर निशाना साधते रहते हैं। इंडिया टुडे से बातचीत के दौरान राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी का कहना है कि राहुल गांधी एक ही नेता है जो महंगाई, जीएसटी जैसे मुद्दों पर सरकार का सामना डट कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब ईडी और सीबीआई चल रही है तो राहुल गांधी के साथ वो भी चल सकते हैं जिन्हें इन एजेंसियों का डर नहीं है। बहरहाल कहा जा रहा है कि अगर राहुल गांधी मान जाते हैं तो 1 अक्टूबर को ही कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, अगर नहीं मानते हैं तो 17 अक्टूबर को कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा।